हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक क्रीम शेयर कर रही हूँ जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये एक बहुत ही अच्छा हेयर रिमूवल क्रीम है, बट मैं बता दूँ ये हेयर रिमूवल क्रीम उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, जैसे कि अगर आप वैक्सिंग करने से या फिर बहुत ही रेजर या किसी तरह का शेविंग करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, या फिर करने के बाद आपके स्किन में एक इरिटेशन आपको फील होता है, रेडनेस आ जाती है, बम्स निकल जाते हैं छोटे छोटे, या फिर आप ये वैक्सीन जब करते हैं तो आपको जलन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट के चलते स्किन वहाँ की जल जाती है, या आप किसी रेजर से अगर अपने स्किन पे अगर यदि आप हेयर रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे कांटे कांटे जैसे हेयर निकलने लगता है, और उसके बाद वो आधा कटता है आधा नहीं कटता है, उसके बाद एरिया में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है और बहुत ज़्यादा जलन सी होने लगती है। तो आपके लिए ये बहुत ही सेफेस्ट मैं एक हेयर रिमूवल क्रीम लेकर के आई हूँ जो कि 7 डेज ऑर्गेनिक से है, और जैसे कि इसका नाम ही है 7 डेज ऑर्गेनिक हेयर रिमूवल क्रीम। तो ये जो क्रीम है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि एक तो ये ऑर्गेनिक एकदम केमिकल फ्री क्रीम है, आप जो कि आपके स्किन से हेयर को रिमूव करने के साथ साथ आपके स्किन को सूद करता है, प्लस आपके इन ग्रोथ जो आपके अनवांटेड हेयर की जो ग्रोथ है उसको भी धीरे धीरे कम करता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो ये आपके हेयर ग्रोथ को कम करता है या नहीं करता, इसे आपको बहुत रेगुलर यूज करेंगे आप मतलब तब आपको ये शायद इस चीजों में फर्क दिखे, बट मैं इसे ऐसे ही यूज करती हूँ, जैसे कि मेरे अंडर आर्म्स में थोड़े बहुत हेयर हैं तो मैं क्या करती हूँ रेजर वगैरह या फिर वैक्सीन वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत इरिटेट करता है स्किन को, रेडनेस आ जाती है, फिर स्किन वहाँ की बहुत ज्यादा ब्लैक भी हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह का कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम। इससे पहले मैं वीट यूज करती थी, तो वीट वाला जो क्रीम है मुझे थोड़ा सा उसमें केमिकल बहुत ज्यादा था, तो वो स्किन को थोड़ा सा इरिटेट भी कर देता था, जल्दी काम भी नहीं करता था फास्टली। तो ये वाला जब से मैं यूज कर रही हूँ 7 डेज ऑर्गेनिक का ये हर्बल हेयर रिमूवल क्रीम, तो ये बहुत ही फास्टली 5 से 6 मिनट में आपके बाल को जो अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है। मेरे इतनी ग्रोथ नहीं है, हल्के फुल्के ग्रोथ है तो उसे बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है। आप डिपेंड करता है आपके बाल कितने ज्यादा थिक है कितने ये है, लेकिन ये हर तरह के बाल को बहुत अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर तो एकदम अच्छे से रिमूव कर देता है, काफी फास्टली काम करता है। तो ये हेयर रिमूवल क्रीम मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बता दूं ये ऑल स्किन टाइप्स है, इसे लड़के लड़कियां मेन एंड वुमेन कोई भी यूज कर सकते हैं। ये 100 ग्राम की बॉटल है, आप देख सकते हो इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ इसमें पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो सारे फ्री है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यार हेयर रिमूवल क्रीम में जो बहुत भरभर के केमिकल होते हैं ये इसमें नहीं है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है देखिए एक्वा है, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है, और इसमें ग्लिसरीन है जो कि आपके स्किन को सॉफ्ट करता है, सपल बनाता है। एलोवेरा है जो कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके स्किन को हील करता है, प्लस आपके इरिटेशन जलन को स्वेलिंग को भी जो है कम करता है। इसमें अगेन विटामिन ई है जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और भी बहुत कुछ इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, मैं जब भी आप इसे परचेज करो तो उसके साइट पे जाके पढ़ लेना कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें दिए हुए। तो इसको कैसे यूज करना एकदम इजी है, जैसे कि आप अपने स्किन को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, क्लीन करने के बाद आपको साफ स्किन में आपको क्या करना, जहां पे भी आपके अनवांटेड हेयर है उनको, जिनको आपको हटाना अनवांटेड हेयर को, वहां पे आप इस क्रीम की क्वांटिटी को अपने लगा लेंगे जितने अकॉर्डिंगली आपके स्किन की हेयर ग्रोथ है आपके उस हिसाब से लगा लेंगे आप। लगाने के बाद 5 से 6 मिनट तक वेट करनी है, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो 7-8 मिनट तक वेट कीजिए, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद स्पैचुला से जो है उसको रिमूव करते जाइए, या आप कोई वेट क्लॉथ से भी उसे हल्का हल्का पोछते जाएंगे तो भी देखेंगे आपके हेयर जो थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, प्लस ऐसे ना कि आप यूज करते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक तो ना कि आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत कमी आती है। और गाइस उसके बाद आप जब उसे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे इस क्रीम को, तो आपको क्या करना है उस एरिया को अच्छे से वॉश कर लेनी है, और कोई माइल्ड एकदम सटल सा जो सॉफ्ट सा कोई मॉइस्चराइजर क्रीम होता है उसे अप्लाई करना है बॉडी पे, दैट सेट आपकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट सपल एंड स्मूथ लगेगी, प्लस हेयरलेस तो हेयरलेस। तो ये क्रीम बहुत अच्छा, हाईली रेकमेंड करूंगी अगर आप कोई गर्ल हो बॉय हो कोई भी हो अनवांटेड हेयर की आपको अगर प्रॉब्लम है तो ये वाला क्रीम आप जो है हेयर रिमूवल क्रीम आप बेशक ट्राई करें। और इसका जो प्राइस है वो मैं बता दूं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 499 रुपीज 100 ग्राम का, बट डोंट वरी इस क्रीम में काफी ज्यादा भी ऑफर चल रही है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे और 7 डेज ऑर्गेनिक ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको ये अंडर 200 या 300 में तो मैक्सिमम आपको ये क्रीम जो है मिल ही जाएगी। इसका जो ऑफर वाला लिंक है
वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आराम से आप जाके चेकआउट करिए। और आई होप ये छोटी सी वीडियो थी पर बहुत ही ज्यादा हाइजीन से रिलेटेड या कह सकते हैं हमारे ग्रूमिंग से रिलेटेड बहुत जरूरी थी, तो इसीलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और तो गाइस इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो है जनवरी 2023 से लेके आपको 24 मंथ तक ही इसको यूज करनी है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो काफी अच्छे लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके काम आई होगी, अगर आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना अपने स्किन का अपने हेल्थ का अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।